सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए आप सभी इस स्पेशल मौके पर कमेंट सेक्शन के अंदर तिरंगा फहरा दें। तो अब चलिए टॉपिक पे। तो क्लैश एट द कैसल 2022 के लिए WWE ने अभी तक 3 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, और इसके अलावा क्लैश एट द कैसल इवेंट में फैंस को कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन क्लैश एट द कैसल में सेना बेजलर को फेस करने जा रही है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए। और क्योंकि रोंडा रोजी का फ्यूड अभी भी लिव मॉर्गन के साथ चल रहा है, क्योंकि रोंडा रोजी से ही लिव मॉर्गन ने चैंपियनशिप जीती थी। और उसके बाद समर स्लैम 2022 में रोंडा रोजी को भी गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि लिव मॉर्गन के टैप आउट करने के बाद भी रेफरी ने रोंडा रोजी को नहीं बल्कि लिव मॉर्गन को जीत दे दी, क्योंकि रेफरी ने लिव मॉर्गन को टैप आउट करते हुए नहीं देखा था। और इसी कारण से रोंडा रोजी अब हील टर्न हो चुकी है और उन्हें WWE ने सस्पेंड कर दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन शेना बेजलर को हराकर उनकी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेगी। पर मैच के बाद रोंडा रोजी रिटर्न आकर ना सिर्फ लिव मॉर्गन पर अटैक करेगी बल्कि उन्हें एक बार फिर से चैलेंज कर देगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए WWE के नेक्स्ट इवेंट में। तो समर स्लैम 2022 में बेली, डकोटा काई और यूएस का रिटर्न आ गई, और इन तीनों ने अब वुमेन्स रोस्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर इन तीनों को ऐसा नहीं करने देगी, और इसलिए बियांका ने एलेक्सा ब्लिस और अशोका के साथ मिलकर टीम अप कर लिया है। और अब ये तीनों फेस करेगी बेली, डकोटा काई और स्काई को 6 वुमेन्स टैग टीम मैच में क्लैश एट द कैसल इवेंट में। और क्योंकि WWE अभी बेली की टीम को पुश दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच में बेली, डकोटा काई और स्काई की टीम जीत जाएगी। अगर आपने इस हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन मिस कर दिया तो आप एक बहुत अच्छा मैच मिस कर दिए हैं, गंथर और शिंसुके नाकामुरा के बीच जो हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में दोनों ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों काफी अच्छे WWE सुपरस्टार है, और फैंस ने भी इस मैच की काफी तारीफ की है। लेकिन इस मैच के एंड में गंथर ने उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, और इससे ऐसा लग रहा है कि WWE ने गंथर को और ज्यादा पुश देना स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि सीना ने यह बोला था कि वह क्लैश एट द कैसल इवेंट में रिटर्न आ सकते हैं, तो अभी कुछ हफ्तों में सीना रिटर्न आकर गंथर को चैलेंज कर सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए, क्योंकि सीना ने उनके कैरियर में कभी भी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीते हैं। तो अगर सीना गंथर को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं तो जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएंगे। वैसे क्या आप लोग गंथर वर्सेस सीना का मैच देखना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो एज और रे मिस्टीरियो की दुश्मनी डेमियन प्रिस्ट और फिन बेलर से चल रही है, इसलिए इन चारों का टैग टीम मैच फैंस को देखने मिल सकता है क्लैश एट द कैसल इवेंट में। तो क्लैश एट द कैसल इवेंट के लिए रोमन का मैच फिक्स हो गया था ड्रू मैकइंटायर के साथ, और इन दोनों की दुश्मनी WWE बिल्ड करने वाले थे, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी में कैरियन क्रॉस भी इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करके रोमन को चैलेंज किया है। और कैरियन क्रॉस बाद में यह बोला कि रोमन का टाइम अब पूरा होने वाला है। तो जहां ड्रू मैकइंटायर क्लैश एट द कैसल में रोमन से उनकी दोनों चैंपियनशिप जीतना चाहते थे, वही ड्रू मैकइंटायर के साथ साथ कैरियन क्रॉस भी इस चक्कर में है कि कैसे वह रोमन की दोनों चैंपियनशिप उनसे जीत ले। और इसके साथ थ्योरी अभी टीवी पर नजर नहीं आ रहे हैं, पर आप यह मत भूलिएगा कि थ्योरी के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे थ्योरी कभी भी कैश इन कर सकते हैं रोमन के ऊपर, क्योंकि रोमन के पास दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या रोमन इन तीनों मुश्किलों का सामना करके भी क्लैश एट द कैसल के बाद अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने रहेंगे या नहीं। सबके साथ शेयर करें।